महाराष्ट्र सरकार 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाना बंद कर सकता है, जानिए ऐसा क्यों। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य अस्थायी रूप से 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को स्थगित कर सकता है और फिलहाल 45 प्लस आयु वर्ग के लिए COVID-19 वैक्सीन की दूसरी डोज देने को प्रायोरिटी दे सकता है। महाराष्ट्र सरकार को COVID-19 वैक्सीन डोसेज की कमी के कारण B18 प्लस श्रेणी के टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ा। महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने 11 मई को कहा, टीकों की कमी है इसलिए हम टीकाकरण अभियान को अस्थायी रूप से 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के लिए बंद करने पर विचार कर रहे हैं। इस समूह के लिए 2,75,000 वैक्सीन की डोसेज छोड़ी गई है, जिसका उपयोग 45 एंड अबो आयु वर्ग के लिए किया जाएगा। सेकेंड डोज सबको देना ही प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार टोपे ने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की लगभग 35,000 खुराकें उपलब्ध है, जबकि 5,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज की ज़रूरत है। इसलिए हमको वैक्सीन की 3,00,000 डोसेस निकाल रहे हैं, जो 18 से लेकर 44 साल के समूह के लिए 45 और उससे अधिक उम्र के लिए आरक्षित रखी थी। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, हम 18 साल प्लस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण को निलंबित कर रहे हैं जो कोवैक्सीन चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।